नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट जीके से संबंधित एक क्विज बनाकर लेके आए हैं। उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि रेस रेस एक ऐसा वर्ड है जो वर्तमान में करंट जीके से संबंधित भी है और करंट अफेयर्स को मानकर चले वैसे भी, और स्टेट वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित भी है, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि RACE है जो शब्द है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानकारी करेंगे। RACE रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विथ एक्सलेंस रेस, ये रेस इसका पूरा नाम हो गया, रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विथ एक्सलेंस। ये राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने जिला स्तर पर सरकारी कॉलेजों को बीच संसाधनों की उपलब्धता को तर्क संगत बनाने के उद्देश्य से राज्य में यह उच्च शिक्षा मॉडल शुरू किया गया। ये उच्च शिक्षा मॉडल है दोस्तों, और ये राजस्थान सरकार द्वारा चालू किया गया। तो इसके मुख्य बिंदु है उच्च शिक्षा मॉडल है, राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था सुधार करने एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर सरकारी कॉलेजों के लिए और राजस्थान में ये उच्च शिक्षा मॉडल है। तो मुख्य बात यही है इसमें कि रेस जो शब्द है उसकी फुल फॉर्म क्या है, रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेजेस विथ एक्सीलेंस, ये तो रेस शब्द की फुल फॉर्म है। और ये राजस्थान सरकार का कॉलेज स्तर की जो शिक्षा है उसमें सुधार करने हेतु ये एक राजस्थान सरकार का उच्च शिक्षा मॉडल है। अगला हमारा बिंदु है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति दोस्तों 2018 में लागू की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी 4 जून 2018। अब जैव ईंधन क्या होता है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था, यानी जैव राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है वो केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान, प्रथम राज्य राजस्थान है। भारतीय रेलवे के वित्तीय सहायता से राजस्थान में 8 टन प्रतिदिन की क्षमता से एक बायोडीजल संयंत्र पहले से स्थापित किया जा चुका है। इस प्रकार राजस्थान भारत में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। अपना अगला पॉइंट है ऑल वुमेन रन रेलवे स्टेशन, यानी भारतवर्ष में कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिसको संचालन करने के लिए पूरी तरह से वो महिलाओं पर निर्भर है, यानी कि जितने वर्कमैन हैं वो सारे के सारे महिला स्टाफ है। इस प्रकार राजस्थान का भी एक रेलवे स्टेशन है जो जयपुर के गांधी रेलवे स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है, उसको जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे महिलाएं हैं। इसके अलावा देश भर में और भी रेलवे स्टेशन हैं जो महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसमें है मोंटुंगा जो मुंबई में है, चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश का चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में चंद्रगिरी नाम से स्थान है, वो भी महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। उसके बाद अजनी नागपुर जो महाराष्ट्र में, इस प्रकार महाराष्ट्र के 2 हैं और आंध्र प्रदेश में 1 है। इसके बाद हमारे राजस्थान का भी एक रेलवे स्टेशन है गांधीनगर जो महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। जयपुर के गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन है वो देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसे केवल महिलाएं संभाली। गांधीनगर स्टेशन अब ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन बन गया है। इससे पहले मेट्रो मुंबई के एक सब अर्बन रेलवे स्टेशन इस तरह का प्रयोग किया गया था। इस रेलवे स्टेशन 40 महिलाओं की टीम सभी तरह के काम 24 घंटे करेगी। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर दिल्ली रेल मार्ग पर है और ये रोजाना 50 ट्रेनें गुजरती है। इसके अलावा रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे स्टेशन को CCTV कैमरे में कवर किया है। इस थाने में रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। उत्तर पश्चिम रेलवे के GM PP सिंह का कहना है कि हमें उम्मीद है कि रेलवे स्टेशन पर एक अलग बदलाव दिखेगा, हमें भरोसा है कि महिलाएं इस रेलवे स्टेशन को बेहतर कर दिखाएगी।